हेलो, बायर काउंसिल एक्टिव के 360 डिग्री वर्चुअल धान के खेत में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है और मैं बायर कंपनी के खरपतवार नाशक उत्पादकों की देखरेख करता हूं। अब आप मोबाइल चारों तरफ घुमाकर इस धान के खेत को अच्छे से देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त धान के बीज बोए जा चुके हैं और बुआई के बाद फसल अब 8 दिनों की अवस्था में है। अगर आप ध्यान से देखें तो फसल के आसपास अलग अलग तरह के खरपतवार दिखेंगे। ये खरपतवार मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व सोख लेते हैं, इसीलिए फसल को पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिल पाता और फसल विकसित नहीं हो पाती। इन्हीं खरपतवारों पर सही समय पर नियंत्रण पाना फसल के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। खरपतवारों की निराई के लिए मजदूर लगाना महंगा पड़ सकता है और कई बार तो समय पर मजदूर मिलते भी नहीं, लेकिन मौजूदा नई तकनीक और खोज की मदद से ज्यादा पैसे खर्च किए बिना इन खरपतवारों पर काबू पाना मुमकिन है। बायर कृषि क्षेत्र के ऐसे अनुसंधानों में सबसे आगे है, तभी हम लाए हैं एक अनोखा खरपतवार नाशक जिसका नाम है काउंसिल एक्टिव। यह खास धान की फसल के लिए बना है जो बुआई और रोपाई दोनों प्रकार के खेतों में इस्तेमाल हो सकता है। काउंसिल एक्टिव के बारे में जानने के 4 महत्वपूर्ण पहलू हैं: इस्तेमाल का समय, असरदार उपचार विधि, इस्तेमाल का तरीका और मात्रा, और विभिन्न खरपतवारों का नियंत्रण। इस्तेमाल का समय। काउंसिल एक्टिव का प्रभावी उपयोग करने के लिए फसल की शुरुआती अवस्था में इसका छिड़काव करने की सिफारिश दी जाती है। बुआई के बाद पहले 2 या 3 हफ्तों में उगने वाले खरपतवार धान के उत्पादन की गिरावट का मुख्य कारण होते हैं, इसीलिए इन खरपतवारों को शुरुआती अवस्था में नियंत्रित करना बहुत जरूरी होता है। हम खरपतवार नाशक के इस्तेमाल करने में जितनी देर करते हैं, खरपतवार पर नियंत्रण उतना ही मुश्किल होता जाता है। काउंसिल एक्टिव को इस्तेमाल करने का सही समय है जब खरपतवार 1 से 3 पत्तों की अवस्था में हो या फसल 8 से 12 दिनों की अवस्था में हो। काउंसिल एक्टिव का सबसे अच्छा परिणाम पाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। काउंसिल एक्टिव का इस्तेमाल करने से पहले मिट्टी में नमी का स्तर ठीक तरह से जांचना जरूरी है। आइए अब इस बात को अच्छी तरह समझें। खेत में सिंचाई हो तब भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, पर फसल का ऊपरी छोर पानी के ऊपर होना चाहिए। याद रखें कि छिड़काव के बाद कुछ दिनों तक मिट्टी में नमी बनी रहे। नमी की अवस्था में काउंसिल एक्टिव खरपतवारों पर सीधा प्रहार कर सकता है और उन पर नियंत्रण भी। और काउंसिल एक्टिव का सबसे बेहतर परिणाम पाने के लिए आपको खेत में अगले 10 दिनों तक पर्याप्त नमी बनाए रखनी होगी। इस्तेमाल का तरीका और मात्रा। 1 एकड़ में 90 ग्राम काउंसिल एक्टिव इस्तेमाल करने की सिफारिश दी जाती है। 8 टंकी प्रति एकड़ छिड़काव के लिए पहले एक बाल्टी में 8 लीटर पानी लें, फिर काउंसिल एक्टिव के पैकेट को खोलें, पैकेट की सामग्री को बाल्टी में डालें और अच्छी तरह से मिलाएं। स्प्रे टंकी को केवल आधे तक पानी से भरें। तैयार किए गए काउंसिल एक्टिव के मिश्रण से 1 लीटर मिश्रण लें और उस मिश्रण को स्प्रे टंकी में डालें। आखिर में स्प्रे टंकी को पानी से भर दें। एक जरूरी जानकारी ये है कि इसके इस्तेमाल के लिए फ्लैट फैन या फ्लड जेट नोजल लें। समान रूप से स्प्रे करने वाला नोजल सबसे अच्छा परिणाम देगा। विभिन्न खरपतवारों पर नियंत्रण। काउंसिल एक्टिव विभिन्न प्रकार के खरपतवारों पर नियंत्रण पाने में सक्षम है, जैसे सांवा, डवरा या लाल सांवा, गांठ वाला मोथा, छतरी वाला मेथा या चूहका, झूसा, 3 पत्ती घास, मिर्ची बूटी या मिर्ची बन, पान पत्ता, वन मिर्ची, हिरण घास और अन्य कई खरपतवार। निर्देशों के अनुसार इस्तेमाल करने पर काउंसिल एक्टिव से पैसों की बचत होती है और किसानों का मुनाफा बढ़ता है। तो काउंसिल एक्टिव के छिड़काव के कुछ दिनों के बाद धान का खेत कुछ ऐसा दिखता है। खेत में खरपतवार का नामो निशान नहीं और फसल तंदुरुस्त। काउंसिल एक्टिव विभिन्न खरपतवारों पर नियंत्रण पाने के लिए एक जबरदस्त उपाय है जो फसल को सुरक्षित रखता है और इसका असर लंबे समय तक चलता है। तो याद रखें किसान भाइयों, काउंसिल एक्टिव का असर बढ़ाने के लिए उसका छिड़काव तब करें जब खरपतवार 1 से 3 पत्तों की अवस्था में हो या जब फसल 8 से 12 दिनों की अवस्था में हो।
तो किसान भाइयों काउंसिल एक्टिव को चुनिए, खरपतवारों पर होने वाला खर्च कम कीजिए, अपनी फसल को तंदुरुस्त बनाइए और मुनाफा बढ़ाइए।